नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम एक आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देने जा रहे हैं कि जो नया हो। आज हम जानकारी देने जा रहे हैं कि जब कलर मशीन से कोई पेंट बनाया जाता है तो किस तरीके से बनता है और उसका बनाने का तरीका कैसा है, वो सही तरीके से कैसे बनता है। कोई कस्टमर आके जैसे अगर वो पेंट मांग रहा है कि हमें इस कलर का पेंट चाहिए या इंटीरियर के लिए चाहिए, एक्सटीरियर के लिए चाहिए, किस तरीके से उस पेंट को हम बनाते हैं, उसका किस तरीके से बेस डिसाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर से कैसे कलर गिरता है, मशीन से कैसे मिक्स होता है। कई लोगों की डिमांड आई है कि हमको इस तरीके से वीडियो बना के दिखाइए किस तरीके से सही तरीके से पेंट बनता है। तो दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम यही बताएंगे कि हम किस तरीके से एक मशीन से कलर बनाने वाली मशीन से हम पेंट बनाते हैं। आज जो हम बताएंगे वो एशियन पेंट की मशीन से और एशियन पेंट के किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो एक हमारे पास कोई कस्टमर आएंगे और जिस कस्टमर ने हमसे बोला कि हमें एक कलर बनाना है 0N17 पैलेस लाइट उस शेड का नाम है। उन्होंने इस छोटे से शेड कार्ड से जो एशियन पेंट का एस का शेड कार्ड है उससे उन्होंने पसंद किया है। शेड का नाम है पैलेस लाइट, उसका शेड नंबर है 0N17, ये उसका शेड का कोड है और ये जो उसका शेड कोड है, इसका ये शेड कोड है। तो इसको हम बनाते हैं, ये कई तरीके से बनाया जा सकता है। पहला इसमें क्या कहते हैं, एक फैंडेक्स में भी कलर देखा जा सकता है, फैंडेक्स से ही कलर है। ये फैंडेक होता है, फैंडेक जो है जिसमें अलग अलग शेड होते हैं, इसमें से भी छाटा जा सकता है। और दूसरा कलर स्पेक्ट्रा से है। कलर स्पेक्ट्रा वो होता है जो कि 9000 सीरीज के कुछ स्पेशल कलर होते हैं जो कुछ कंपनी शॉप में देती है। और ये कलर फैंडेक जो है सभी को, जो कलर वर्ड है सभी को मिलता है। बाकी ये शेड कार्ड तो बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाता है। तो किसी कस्टमर ने हमसे बोला है कि हमको एस एडवांस में 1 लीटर 0N17 जो कि ये शेड है वो बनाना है। उसकी मेकिंग हम अभी आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से वो बनाया जाता है। एस एडवांस का जो ये डिब्बा है, एस एडवांस का 1 लीटर का डिब्बा है, आइए हम इसकी मेकिंग दिखाते हैं किस तरीके से हम इस शेड को एशियन पेंट की मशीन से बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हमने बताया कि आपको कि अभी हम लोग कलर बनाने चल रहे हैं, मेकिंग किस तरीके से, जो कस्टमर ने हमें बताया था 0N17 पैलेस लाइट कलर का शेड है, एस एडवांस में हमको बनाना है, वो इस लेकर हम एस एडवांस का एक डिब्बा लेकर आए हैं। तो एक ये सेटअप है हमारे पास, ये नरलक की मशीन लग रखी है, हमारे पास ये एशियन की मशीन है और ये भी एशियन की मशीन है। एशियन की ये पुरानी मशीन है हमारी, जो कि बैंको इसका मॉडल है और ये एक्स स्मार्ट नई मशीन है। जब सबसे पहले करीब 25 साल पहले जब मशीन लगी थी तो ये वाली थी। आजकल ये वर्किंग कंडीशन है बट इसको स्टैंड बाय में रखते हैं, लेकिन इस मशीन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एशियन पेंट ने हमें प्रोवाइड कराया है, इसी से हम अलग से का भी कलर बनाते हैं, अलग सॉफ्टवेयर से, इसी कंप्यूटर से, और इसी कंप्यूटर से हम एशियन का भी कलर बनाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे, कि सबसे पहले कि हमें बनाना है, अगर एस एडवांस अगर हमें बनाना है, कस्टमर ने हमें एस एडवांस N17 बोला था, 0N17, तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर में जाने के बाद सबसे पहले सर्च करेंगे यहाँ पे वो शेड का नंबर। यहाँ पे शेड का नाम भी लिख सकते हैं या शेड का नंबर, हम अभी नंबर लिखते हैं 0N17 हमने ये डाला। तो 0N17 डालने के बाद सबसे पहले देखे ये एक नई विंडो बन जाती है जिसमें लिखा है एशियन पेंट एस एडवांस जो कि हमें बनाना है। एस एडवांस ये डिब्बा है, एस एडवांस कलर कोड जो है उसका 0N17 उसका नंबर है और उसका नाम पैलेस लाइट एन जो कि उसका नाम है। और उसने बोला कि बेस कौन सा लगेगा, सिस्टम ने बता दिया कि AE2 एस एडवांस का बेस लगाएंगे। देखिए डिब्बे में लिख रखा है AE2 एस एडवांस का बेस रखा है। इसमें क्या कलरेंट गिर रहा है, जिस तरीके से कलरेंट गिर रहा है उसमें साफ सब लिख दिया है कि येलो फास्ट येलो गिर रहा है 1.8, फास्ट ब्लैक गिर रहा है इतना, ये सब देख लिया। ठीक है, अब हमें कितने लीटर का बनाना है वो डिसाइड करना है। यहाँ पे अगर हम प्राइस में जाते हैं तो ये बता देता है कि 1 लीटर हमें बेस इतने का पड़ रहा है और इतने का कलर, टोटल ये 200 रुपये का कस्टमर को पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हमें ये 4 लीटर बनाना है तो यहाँ पे रेट बढ़ेगा, 4 लीटर 730 का पड़ रहा है और इतने का कलर टोटल ये कॉस्टिंग आ रही है। अगर 10 लीटर में बनाना है तो ये हो रहा है आपका 1737 और उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अगर हमको 20 लीटर का बनाना है तो 3404 रुपये का पड़ रहा है आके। ठीक है, तो अभी हम लोग को बनाना है 1 लीटर, तो 1 लीटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 लीटर सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद सबसे पहले इस डिब्बे को हम लोग खोलेंगे। डिब्बे खोलने का तरीका बहुत आसान, एक नॉर्मल सा छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ले रखा है हम लोगों ने, वो साइड से इस तरीके से लगाने के बाद
थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं डिब्बे को, तो बहुत आसानी से ये इसका ढक्कन खुल जाते हैं। पर धीरे से उठाना है, क्योंकि अगर इस तरह से तेज़ी में उठाएंगे तो बहुत इस तरह से छिट्टे पड़ जाते हैं। वो ये इसका बेस है, और बेस को हमने मशीन में रखा। मशीन में सेफ्टी के तौर पर नीचे एक इस तरीके से हैंडल लगा रहता है, जिसको पीछे करना पड़ता है। अगर हम इसको पीछे नहीं करेंगे तो वो कलर नहीं गिरेगा इस पर, ठीक है। इसको पीछे करने के बाद हमने इस डिब्बे को यहाँ रखा। इसमें तीन छोटी छोटी लाइट है, वो सेंटर बताता है कि हमारा कि किस तरीके से ये सेंटर में है और कलर इधर उधर तो नहीं गिरेगा। करने के बाद फिर उसके बाद हम आके यहाँ पे अपना टिंट का एक ऑप्शन डालते हैं। टिंट मतलब हो गया कलर को गिराना। इसमें फिर दो ऑप्शन मिलते हैं, लेबल चेक करना। अगर हमारे मशीन में कलरेंट कम है तो लेबल यहाँ से हमें बढ़ाना पड़ता है, और अगर सब कुछ ठीक है तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है कि एक लीटर टिंट करने के लिए यहाँ से हमने ओके बटन बटाना है, वहाँ से कलर गिरेगा। देखिएगा सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ से ओके करना है, कलर गिरना सुनेगा। उससे पहले क्या होता है, ये सारी डिटेल हम या तो स्केच पेन से लिख सकते हैं, बट हमने सेटअप अपना प्रिंटर लगा रखा है। ये हमारा प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, काफ़ी पुराना सेटअप है। तो जैसे अब यहाँ पे पहले हमने प्रिंट दिया, देखिए इस तरीके से प्रिंट निकल जाता है। और प्रिंट निकलने के बाद उस डिब्बे के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, ये एशियन टिंटिंग स्लिप, जो ये एशियन पेंट से मिलती है। और इस टिंटिंग स्लिप में लिखा है AE2 बेस लगा है, एस एडवांस बना हुआ है, 0N70 कलर है, पैलेस लाइट नाम है, और आज की डेट 19/2/2022 का ये मिल गया है। ये टिंटिंग स्लिप एशियन पेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, इसमें लोग पेन से लिख देते हैं जनरली, हमने बट इसको प्रिंटर लगा रखा है। उसके बाद हमने यहाँ से ओके किया, तो एक बार यहाँ पे कैमरा दिखाते हैं हम आपको। जैसे हमने यहाँ ओके किया, देखिए कलर गिरना शुरू हो गया, थोड़ा ही कलर गिरा क्योंकि लाइट शेड है। उसके बाद हमने डिब्बे को यहाँ से उठाया, उठाने के बाद इसको नॉर्मल ढक्कन को बंद किया और एक बार हथौड़े से अच्छे से उसको पैक कर दिया। और ये टिंटिंग स्लिप है वो यहाँ पे बेस के ऊपर ये लगा दिया। बेस पे लगाने के मतलब ये हो गया कि अब हमें ये शेड बन चुका है, ठीक है, ये शेड बन चुका है। अब उसके बाद इस शेड को हम मिक्स भी करेंगे, मिक्स करेंगे, तो आइए दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग इसको मिक्स करते हैं मशीन पे। तो ये एक मिक्सर है, गैरो शेकर जिसे कहते हैं, ये कंपनी के साथ में आता है। और इसमें क्या होता है, 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की बाल्टी को आराम से ये मिक्स किया जाता है। उसके साथ ये अटैचमेंट आता है, इस अटैचमेंट के साथ हम लोग इसको लगाने के बाद थोड़ा सा केयरफुल करके लगाना है, क्योंकि मशीन थोड़ी खतरनाक भी होती है। तो इसको लगाने के लिए इस तरह से डिब्बे हम लोग रख देंगे। लगने के बाद यहाँ से लॉक होता है, लॉक खोलने के बाद ये इस तरीके से इसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद लॉक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपका डिब्बे बाहर भी फेंक सकते हैं। उसके बाद एक शटर होता है, जर्मनी शटर ख़राब हो चुका है, काफ़ी पुराना हमारा है तो हमने शटर नहीं बंद किया। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये घूमता है। स्विच हम लॉक करते हैं और उसके बाद हमने इस पर, ये देखिए डिब्बे को किस तरीके से ये मशीन घुमा रही है। थोड़ी खतरनाक मशीन होती है, तो इसके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है, बट ये सारे पिगमेंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर देती है, सारे अच्छे तरीके से मिक्स कर देती है, जिससे कि आपका कलर प्रॉपर परफेक्ट तरीके से बन जाता है। कलर ओके हो जाने के बाद हम इसको स्टॉप करेंगे, मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर में ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, और इसको हम बंद करते हैं। बंद हो गया, बंद करने के इसका पावर स्विच बंद कर दिया, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फिर इसको इसी तरीके से लॉक ओपन करेंगे। लॉक ओपन करने के बाद हमने लॉक कर दिया कि मशीन चले ना इस पर, और गैरेज सर्किट में ये डिब्बा हमारा रेडी है। एक बार फिर हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कलर बना हुआ है, और यहाँ पे एक बार रीचेक भी करेंगे कि कलर वो हमारा बना या कोई कलरेंट कम तो नहीं गिरा। खोलने का तरीका वही है, इसको आसानी से स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको हमने उठाया। उठाने के बाद ये देखिए हमारा पैलेस लाइट शेड जो एकदम सेम वैसा का वैसा एकदम बन गया। अब क्या करना है कि एक बार थोड़ी सी एक हाथ पे उंगली में लगा के हम इसको, जो टिंटिंग स्लिप बनी है, टिंटिंग स्लिप के पास में एक कंपनी ने एक छोटा सा ये गोला बना रखा है, यहाँ पे इसको ये लगा देते हैं
कि कल को ये है कि हमें ये पता चले कि ये शेड आपका पैलेस लाइट शेड है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक कलर बनाने का तरीका, किस तरीके से कंपनी मशीन प्रोवाइड कराती है और किस तरीके से हम लोग इस पर कलर बनाते हैं। कलर एंड कॉस्ट एक्स्ट्रा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग जो कलर फिल करते हैं वो कंपनी से आता है, वो उसको खरीद के भरना पड़ता है, और सब कलर की कॉस्टिंग अलग होती है। सारे बेसेस अलग होते हैं, अलग अलग डार्क शेड के लिए अलग बेस होगा, लाइट शेड के लिए अलग बेस होगा। वो सिस्टम हमें बताता है किस तरीके से हमें कलर कौन सा बेस लगाना है और किस तरीके से इसमें कौन से कलर गिरेंगे, कौन से कितने प्राइस पड़ेगी, वो मशीन बताती है। इसीलिए इसमें लिखा होता है कि ओनली फॉर बेसमेंट कलरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा। तो अब ये 200 रुपये हो गया, हम कस्टमर को जाके इसको देंगे और इजीली इसका पेमेंट लेंगे। तो आगे आइए फिर हम लोग बैठ के बात। तो देखा दोस्तों किस तरीके से एक फाइनल गुड्स एक बेस पे बना के हम लोग कलर जो कस्टमर ने मांगा उसको हम दे सकते हैं 0 and 70 एक नॉर्मल तरीके का। सेम इसी प्रोसेस में हम लोग 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर की पैकिंग को बनाते हैं। कलरेंट जो होता है वो एशियन पेंट प्रोवाइड कराती है, या जो भी कंपनी का हम मशीन लगा रहे हैं वो कंपनी प्रोवाइड कराती है, और उस कलर को हमें परचेज करना पड़ता है, इसीलिए कलरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है। ये सारा प्रोसेस जो करना पड़ता है, जो भी इसमें बिजली के खर्चे आते हैं, ये सब डीलर का होता है, इसलिए डीलर थोड़ा सा प्रॉफिट तो लेता ही है कलर को बनाने में। बट जो उसमें पिगमेंट करते पड़ते हैं अगर कंपनी के ओरिजिनल हैं तो कलर का जल्दी फेड नहीं करता और ओरिजिनल शेड आते हैं। दोस्तों एक चीज़ और इसमें ध्यान रखा जाता है कि हम लोग जो कलर को टिंट करने के बाद उसमें मिक्स करते हैं तो हाथ से ना मिक्स करके उसको मशीन से मिक्स करते हैं। बहुत से लोगों ने ये देखा है कि वो हाथ से मिक्स करके या डंडे से मिक्स करके दे देते हैं। उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो पहला नुकसान ये होता है कि वो कलर अच्छे तरीके से पूरे पेंट में मिल नहीं पाता। दूसरा नुकसान ये होता है कि जो पिगमेंट होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिक्स हो पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है प्रॉपर शेड लाने के लिए उसको गैरो शेकर, जो हर कंपनी प्रोवाइड कराती है, गैरो शेकर के में मिक्स करके दिया जाए। आसानी से मिक्स हो जाता है, 2 या 3 मिनट लगता है, बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ा समय बच रहा है जल्दी से कस्टमर को दे दिया जाए। तो जो सॉफ्टवेयर हमने आपको दिखाया कंपनी का वो अलग अलग हो सकता है क्योंकि इसके बहुत से अपडेट्स आते हैं। जब भी कोई नया कलर बनता है या कलर में कुछ वेरिएशन आता है या कलर कुछ अपग्रेड होता है या क्वालिटी कोई अपग्रेड होती है तो कंपनी के जो इंजीनियर हैं जो मशीन के वो आके इनको अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद इसमें वेरिएशन को चेंज करते रहते हैं, मतलब जो भी वेरिएशन आ रही है वो वेरिएशन ना आए। तो दोस्तों आज हमने एक सिंपल तरीके से एक आपको ये वीडियो दिखाया कि कैसे एक लीटर का कलर हमने बना के दिखाया, कैसे मशीन से कलर बनता है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। आज के समय में कोई भी पेंट की शॉप बिना मशीन के पॉसिबल नहीं है, और मशीन भी वो भी ऑटोमेटिक नॉर्मल दोनों आती है। मैनुअल मशीन में थोड़े मैनुअल तरीके से उसमें इतना कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता। आज की जो मशीनें आज रखी है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैब, मोबाइल सभी से ऑपरेट होती है, वो आपके इंजीनियर बताएंगे। और जो मशीनें हम यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी मशीन काफ़ी पुरानी हो चुकी है। एशियन की जो पुरानी मशीन है वो 25 साल पुरानी है, और जो अभी लेटेस्ट वाली मशीन है वो मुश्किल से 4 से 5 साल पुरानी मशीन हो गई है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कंपनी रखती है और हमेशा आके प्रॉपरली समय से उसको मेंटेन करती रहती है। तो आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपको एक नई जानकारी देंगे, नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।